अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और गोश्त। तो शिमला मिर्च और गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये शिमला मिर्च ली है। ये मैंने हाफ के जी शिमला मिर्च ली है, फ्रेश फ्रेश। अभी इनका सीजन है, आपको बहुत ही अच्छी मार्केट से मिल जाएंगी। तो इनको मैंने धो लिया है और अब मैं इनकी ऊपर वाली जो डंडी है ये भी काट दूंगी और इसके अंदर से बीज जो है वो आपने निकाल के फेंकने हैं और इसको मैं क्यूब्स में काट लूंगी। गोश्त भी मैंने हाफ के जी लिया है। ये देखें, आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं और मैं बीफ ले रही हूँ तो आप मटन भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज ली है मैंने दो मीडियम साइज की, इन्हें इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटर ली है मैंने एक बड़े साइज की, इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने हाफ कप। हरा धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, इसको धोकर चॉप कर लिया है, ये गार्निशिंग के लिए लिया है। हरी मिर्ची ली है 2 चॉप की हुई। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। नमक हमें चाहिए हसवे जायका, मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। खुश धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे शिमला मिर्च और गोश्त का सालन बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। एक पैन ले लें सबसे पहले और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें, गर्म कर लें इसे। ऑयल गर्म होने पर इसमें प्याज डाल दें, मिक्स करें इसको। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है लाइट लाइट सा और अब इसमें गोश्त डाल लेना है। प्याज का कलर आपने इसी तरह से रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट रखेंगे तो फिर इसका कलर सालन का अच्छा नहीं आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें और गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। ये देखें, गोश्त ने अपना सारा कलर चेंज कर लिया है और पहले ये रेड था, अब ये इस तरह से वाइट से कलर में आ गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, मिक्स करें और 2 मिनट तक इनको अच्छे से भून लेना है। इसको मैंने 2 मिनट अच्छे से भूना था और लहसुन अदरक की खुशबू बहुत ही अच्छी पूरे किचन में आ रही है। लहसुन का जो कच्चापन था वो भी खत्म हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल दें, साथ में बाकी के मसाले भी डाल देने हैं। नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले ना। मिक्स करें और इसे टमाटरों के नरम होने तक पका लेना है। 5 मिनट आप इसको कवर करके पकाएंगे तो ये अच्छे से इसमें टमाटर नरम हो जाएंगे। इसमें पानी डाल दें, मैं इतने से साइज़ के ग्लास से डाल रही हूँ तो मैं 2 ग्लास डालूँगी। इसमें उबाल आने तक इसे पकाना है। देखिए, अभी हल्का हल्का इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसे मैं कवर करके मीट के टेंडर होने तक पका लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, कवर करके, जब तक गोश्त नहीं गलता। गोश्त के गलने तक मैंने इसे पका लिया था। अब इसमें शिमला मिर्च डाल दें, इस तरह से मैंने शिमला मिर्च को काटा था, मिक्स कर लें। तीन मिनट तक इसे भून लेना है। दो से तीन मिनट मैंने इसे भून लिया था। इसमें हरी मिर्च डाल दें, मिक्स करें और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं, तो इस वजह से शिमला अपने ही पानी में पक जाएगी। तो लो फ्लेम पे मैं इसे 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च टेंडर हो गई थी, 10-15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया था। तो अब इसमें हरा धनिया डाल दें, मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार शिमला गोश्त बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी होता है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में दें। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। अगर आपने मेरी आलू गोश्त, भिंडी गोश्त और करेला गोश्त वगैरह दूसरी रेसिपीज़ देखनी है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे, वो भी आप जाके लाजमी देखें। नेक्स्ट रेसिपी मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।